नमस्कार दोस्तों, आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करेंगे उसका नाम है द मैन हू लव्स। ये 2008 में आई थी। इस फिल्म की शुरुआत होती है रोबोटो सारा से। रोबोटो सारा को उसके ऑफिस के बाहर छोड़ने आया है। इसके बाद वो फार्मेसी में काम करने जाता है। रोबोटो का एक भाई है कार्लो। कार्लो गे है, वो अपने फ्रेंड यूरू के साथ रहता है। इसके बाद हमें रोबोटो और सारा को एक साथ दिखाया जाता है। दोनों साथ में कार में इंटीमेट होते हैं। रोबोटो सारा से कहता है, तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहती? सारा को इसमें कोई दिक्कत नहीं, वो अपना सामान लेके रोबोटो के पास आ जाती है रहने के लिए। फिर सारा को कुछ दिन के बाद काम के सिलसिले में मिलान जाना होता है। मिलान जाने के बाद रोबोटो सारा को बहुत कॉल करता है, पर सारा किसी भी कॉल का रिस्पॉन्स नहीं देती। कई बार तो उसका कॉल स्विच ऑफ आता है। फिर कुछ दिन बाद सारा लौट कर आती है। रोबोटो उससे फ़ोन ना उठाने के लिए वजह पूछता है, तो सारा कहती है उसका फ़ोन डेड हो गया और उसके पास चार्जर भी नहीं था। पर अब सारा पहले जैसी नहीं रही, उसके वेवर में बदलाव आ चुका है। फिर एक दिन रोबोटो सारा का मोबाइल चेक करता है। वो देखता है कि सारा अपने पुराने बॉयफ्रेंड पेट्रो को कॉल कर रही थी। इसके बारे में रोबोटो सारा से पूछता है। सारा कहती है, हाँ, वो मिलान में उसके साथ मिली थी और उनके दोनों के बीच में रिश्ता भी बना था। इस बात को लेकर दोनों के बीच में बहुत झगड़ा होता है और रोबोटो सारा से ब्रेकअप कर लेता है। पर ब्रेकअप के कुछ दिनों बाद ही रोबोटो को रियलाइज़ होता है कि उसने गलती की। वो सारा से फिर मिलता है और उसके साथ आने को कहता है, पर सारा उसे कहती है कि अब वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है। सारा अब रोबोटो के साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहती। इसके कारण रोबोटो बहुत डिप्रेस हो जाता है और रोबोटो अब फ्लैशबैक में सोचने लगता है। सारा से पहले रोबोटो का एल्वा के साथ रिलेशनशिप था। एल्वा रोबोटो के साथ बहुत खुश थी। दोनों साथ रहने का फैसला भी कर लिए थे और दोनों ने साथ रहने के लिए एक घर भी देख लिया था। एल्वा एक आर्ट गैलरी में काम करती थी। एक दिन एल्वा एक पेंटिंग को दिखाते हुए रोबोटो से कहती है कि इस पेंटिंग को एक लेडी ने बनाया था। उसका हस्बैंड छोड़ के उसे जा चुका था और उसको अपनी फीलिंग को अपनी पेंटिंग के जरिए उसने दिखाया था। फिर एक दिन रोबोटो अपने भाई कार्लो से कहता है कि उसे एल्वा को छोड़ देना है, उसे अब एल्वा के साथ अच्छा नहीं लगता। यही बात जब रोबोटो एल्वा को बताता है तो वो बहुत गुस्सा होती है और एल्वा उसे थप्पड़ मार देती है। इसके बाद दोनों का रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है। यहाँ दिखाया जाता है कार्लो को हार्ट का प्रॉब्लम है और उसका ऑपरेशन दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं कार्लो का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका है और कार्लो का बॉयफ्रेंड उससे मिलने आया हुआ था और साथ में उसके पेरेंट्स भी। और फिर जब रोबोटो की रिलेशनशिप एल्वा से ख़त्म हो चुकी है तो वो एक होटल में जाता है जहाँ उसे रिसेप्शन में सारा मिलती है। फिर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और दोनों की मुलाकातें शुरू हो जाती हैं और दोनों क्लोज आ जाते हैं और ये फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है। फिल्म में रोबोटो ने जो एल्वा को धोखा दिया, एंड में वही धोखा सारा से उसे मिला।